गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, चैप्टर 3। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकंड टाइप को, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है, जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो किस तरह करता है कि उसकी बॉडी जो होती है वो कई छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। यही फ्रेगमेंट्स जब बड़े होते हैं तो इनसे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, एग्जाम्पल फंजाई और थैलॉइड ब्रायोफाइट्स। बडिंग, नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में क्या होगा कि बॉडी पर एक छोटी सी आउटग्रोथ या बल्ज जो होगी वो अपीयर हो जाएगी लगातार माइटोटिक डिवीज़न होने के कारण सेल्स में, और यही लेटरल बल्ज को हम कहते हैं बड। ये बड जो होती है वो स्लोली अपना साइड बढ़ाती है और डेवलप हो जाती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। फाइनली वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होती है और फिर उसके बाद एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम बडिंग। जैसे कि आप हाइड्रा में देख सकते हैं, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली, इससे एक छोटा सा हाइड्रा बना और जब फेवरेबल कंडीशन आई इससे टूटकर अलग हो गया और अब इससे एक नया हाइड्रा बनकर तैयार हो गया पेरेंट प्लांट से या पेरेंट बॉडी से। नेक्स्ट इज़ यहाँ पर रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी कि जिसके कारण वो अपनी बॉडी के टूटे हुए पार्ट को या फटे हुए पार्ट को रिप्लेस कर दे या उसे नया बना ले, तो इसको कहा जाता है रीजनरेशन। जैसे कि प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्पंजिस, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है प्लेनेरिया में। ये एक एनिमल है, अगर आपने इसको 3 हिस्सों में काट दिया तो क्या होगा, हेड के नीचे का हिस्सा आपने नया पीस बना लेगा जिससे एक नया प्लेनेरिया बनेगा, जो मिडिल पीस है उसके ऊपर हेड भी नया बन जाएगा, टेल भी नई बन जाएगी, फिर एक नया बन गया। अगर टेल पीस है तो उसके ऊपर हेड पीस नया बन जाएगा, तो नया ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो गया, इसको कहते हैं रीजनरेशन। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है स्पोरेंजियम के अंदर जो फंगल हाइफा से तैयार होता है। इसको, इसमें जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कई टाइम डिवाइड करेगा और स्पोरेंजियम के अंदर ही डिवाइड होगा। हर एक न्यूक्लियस की जो छोटी सी बिट होगी, हर एक न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा रहेगा और वो आगे चलकर स्पोर बना लेगा। यही स्पोर जो होते हैं वो आगे चलकर न्यू पार्ट यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार करा देते हैं। इसमें क्या होता है कि इनसे एक न्यू हाइफा बनता है और जैसे ही वो ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो उनसे एक नया प्लांट जनरेट कर जाता है, लाइक राइजोपस और म्यूकर, इनमें जो स्पोर्स हैं नीचे गिरेंगे और इनसे एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इतना पार्ट आप कंप्लीट करेंगे डायग्राम के साथ। थैंक यू।